शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे बेटा, ऐसे रोते नहीं, चॉकलेट लाओ। नहीं, बलून या केक ला दूं? मुझे मम्मा की लाइट वाली रिंग चाहिए। कैसी रिंग बेटा? मम्मी ने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रॉमिस किया था, फिर वो ले ली रिंग। जब तक वो रिंग नहीं थी, डॉक्टर के लिए उर्वशी प्रेग्नेंट नहीं थी। प्रिंस से रिंग लेने के बाद तो वो प्रेग्नेंट निकली। हो ना हो, उसी रिंग में आत्मा कैद है। अगर ऐसा है तो उर्वशी की उस रिंग से आत्मा बाहर आएगी। उर्वशी के हाथ से वो रिंग कैसे निकाली जाए समझ में नहीं आ रहा। दीदी खाना। प्रिंस, इनसे कहो खाने का अनादर नहीं करते हैं। प्रिंस, इनसे कहो कि उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर ना हमारा पेट भर गया है, तो अब जब हमें भूख लगेगी हम ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवा लेंगे, तो उन्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस, उनसे कहो बीमारी में बाहर का खाना नहीं खाते। प्रिंस, उनसे कहो कि जिन पर इतना ज्यादा भरोसा है ना, जाकर उसकी केयर करें। प्रिंस, उनसे कहो। क्या इनसे बोलो, इनसे बोलने लगा रखा है। बोल तो आप दोनों रहे हैं, मुझे भी तो बोलने दोगे? कट्टी छोड़ो और बट्टी कर लो, साथ में बैठकर खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। आई एम एंग्री हंग्री। अरे बाबा, आप लोग उसे एंग्री और पेट से हंग्री। बेटा, तुम जितने क्यूट हो उससे भी क्यूट क्यूट बातें करते हो। चलो मैं तो रेडी हूँ, लेकिन पहले तुम इनसे पूछ लो। क्या उनसे पूछू, इनसे पूछू? अच्छा सॉरी सॉरी, मत पूछो, मैं रेडी हूँ। चलो आओ, मिटाते हैं हमारा एंगर और तुम्हारा हंगर। इसका सॉल्यूशन है। अल्फाबेटिकली आप में से किसके नाम का फर्स्ट लेटर पहला आता है? ओ तेरी, दोनों का नाम जी से है। एक काम करो, दोनों एक साथ खिला दो। गुड, अब मेरी बारी। अब चलो गैना दीदी का फेवरेट गेम खेलते हैं। बुद्धू, मैं गैना दीदी नहीं हूं। मेरी सिर्फ और सिर्फ उससे शक्ल मिलती है। मैं गायत्री हूं। चलो, टंग स्लिप हुई, मान लो आप खेले ट्रूथ और डेयर। खुद कुछ मत करना आप लोग, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। आ, 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 आ,
आप खेले प्लीज। दीदी क्या करोगे आप? डेर। ओके एक काम करिए पापा के साथ डांस करिए आप। चीटिंग प्लीज डांस। पापा अपना मोबाइल दो। मैं गाना लगाता हूँ। प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। डर। यही सही मौका है गौरव के द्वारा उर्वशी से वो रिंग निकलवाने का। एक्चुअली प्रिंस को वो रिंग चाहिए जो उर्वशी पहनती है, वो लाइट वाली रिंग। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही प्रिंस ने कहा था उसे वो रिंग बहुत पसंद है। पापा मुझे वो लाइट वाली रिंग चाहिए। आप पीछे नहीं हट सकते, रूल है। हाइट वाले रिंग, ठीक है, हम वो रिंग लेकर आते हैं। ये हाई फाइव। हम लेकर आते प्रिंस को जरिया बनाकर हमारी उलझन को सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महादेव। बस अब गौरव वो रिंग ले आए। समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या चल रहा है। श्रिया क्या कर रही हो? श्रिया अपने आका का हुक्म मान रही हूँ। आका? हाँ मुझे हुक्म मिला है बिना रुके खुद को 100 थप्पड़ मारने हैं। मेरे हाथ मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। वशीकरण हुआ है मुझ पर। वशीकरण? क्या 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 कर रही हो ये? हट जाओ। उस लाल किताब का वशीकरण बहुत सारा टोना टोटका जादू किया गया है मुझ पर। आदमी एक दिन में अरबपति बन सकता है। अरबपति? 98 99। किसने किया वो वशीकरण? मेरा मतलब के पास है वो लाल किताब? बोलो श्रिया। वो किताब और उल्लू समझ रखा है क्या? 100 थप्पड़ खुद को बिना रुके मारने के बाद मुझे सोने का हुक्म है।
100। ये क्या चल रहा है? वशीकरण, लाल किताब। अगर श्रिया सच कह रही है तो वो लाल किताब मुझको चाहिए। जिंदगी सफर जाएगी यार। मेरे चेहरे पर तो बोंदू राम लिखा है ना भैया, लेकिन भैया तुमसे पहले वो लाल किताब तो मैं ही हासिल करूंगा। अगर तुमने ये रिंग ढूंढने की कोशिश की थी तो अब इसे चुराने की भी कोशिश करोगी, और अगर अब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें हाई वोल्टेज करंट लगेगा। अब कैसी हैं आप? पहले से बेटर लग रहा है। वो घर से गई क्या? हमने बोला तो है उसे रुकने को, अब देखते हैं क्या करती है गहना। गहना, हमारा जिस डायन ने तुम्हारे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की है, तुमने उसी को इस घर में रोक लिया। एक काम करो गौरव, मुझे और मेरे बच्चे को मार दो और जाके उसके साथ रहो। हमारे कहने का मतलब? उर्वशी, दूर रहो मुझसे। कर दीजिए। इट्स ओके, पर हाथ मत छोड़ना, अच्छा लग रहा है। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मेरे पति से दूर रहो? पहले मेरे पति को चुराने की कोशिश की तुमने, और अब इस रिंग को मैं तुम्हें फिर इसका साथ दे रहे हो। तुम इस औरत का, इस चोर का, जिसने तुम्हें मेरी रिंग चुराने को कहा। देखिए, आप इन्हें कुछ मत कहिए, अब पहले हमारी बात सुनिए। सुना ही दो कि ऐसा क्या है जो तुम्हें इसका साथ देना पड़ रहा है। रिंग लाने के लिए इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। तो फिर किसने कहा? प्रिंस ने कहा था। प्रिंस? प्रिंस क्यों कहेगा? क्योंकि हम विश एंड डेयर गेम खेल रहे थे और प्रिंस ने कहा कि उसे रिंग चाहिए, हम बच्चे की बात टाल नहीं पाए इसलिए रिंग लेने आए थे। तुम इन्हें चोर मत कहो, और बात को जाने बिना रिएक्ट मत किया करो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। माफी मांगो इनसे। मेरी जूती भी इससे माफी ना मांगे, पर तुम्हें खुश करने का मौका मिला है तो छोटी सॉरी ही सही। सॉरी। खुश? तुम कहाँ चल दी गायत्री?
अपनी तारीफ में कुछ और भी सुनती जाओ। तुम जो हो ना वो तुम बताती नहीं, और जो तुम खुद को बताती हो वो तुम हो नहीं। तो ये डबल गेम कहीं तुम्हें ही डबल क्रॉस ना करते। सो कीप सेफ डिस्टेंस। गौरव, क्या आत्मा देवी, तुम्हारे रहते गौरव ने मुझे उस गायत्री से माफी मांगने के लिए कैसे कहा? कामचोर हो गई हो क्या तुम? जो मेरा वशीकरण कमजोर पड़ रहा है, सिर्फ मेरे चिल्लाने पर गौरव ने इतनी बड़ी बात बोल दी। उठ बच्चा, वो लाल किताब घर के पूर्व दिशा के कमरे में अलमारी के पीछे जा ढूंढ और बदल दे अपनी जिंदगी। अब महान महाराज जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। मेरा काम तो बिना दक्षिणा के हो गया मेरे प्यारे बड़े भैया। यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है। तू कब गया पंडित जी के पास रोनी? जब भैया पंडित जी के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे तब मैं बाहर एक टांग पे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। भैया कमीनेपन की हद होती है रोनी। कमीनापन में क्या हद भैया, और ऐसे भी ये सब ना मैंने आपसे ही सीखा है। लेकिन भैया आज ना आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। भैया जब सफर एक हो ना तो हम सफर बन जाना चाहिए, और भैया आप अगर नहीं माने ना तो मैं ये बात घर में सबको बता दूंगा। अगर तूने ये बात किसी को बताई ना रोनी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजूर है तो ठीक है भैया, इस लाल किताब की मदद से हम दोनों बहुत अमीर बनेंगे। चलो बेटा गंगा जल से स्नान करा दो इसे। काला धागा कहाँ है? मतलब मेरे हाथ में नकली रिंग है, फिर असली कहाँ गई? कमाल, घबरा मत बेटा, हम हैं ना। क्या अब क्या होगा दीदी? आप वो लाल किताब निकाली ना, हो सकता है उसमें कोई हल हो। हल तो मैं उस गायत्री का निकालूंगी, रिंग पक्का उसी ने ली है। जिस यंत्र में वो आत्मा कैद थी उस यंत्र की सुरक्षा का उपाय। हम्म,
गायत्री तुम जाओ यहाँ से। नहीं दुर्गा माँ, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। दुर्गा माँ नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा तुम जाओ, जाओ। दुर्गा माँ, जिसने भी उस रिंग को हाथ लगाया ना, वो पक्का मरेगा। और अगर वो आत्मा आजाद हो गई तो? अंगूठी को छोड़ दो, आपका हाथ चल जाएगा। बेटी कहती नहीं, मानती भी हूं, और बेटी के लिए सब सह लूंगी। ये जगमग देख रही हो तुम, इसका ये मतलब है कि किसी की जिंदगी का दिया बुझने वाला है, और वो तुम्हारी माँ दुर्गेश्वरी भी हो सकती है। दुर्गा माँ चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।